बात है मनी, आशा जी कैसा लगा मैम? बहुत बहुत अच्छा लगा बेटा. आपने सीखा है कहीं? सीखा है गाना गाने के लिए? नहीं मैम. कहीं नहीं? नहीं. तो फिर आप गाना कैसे गाते थे? तो ऐसे ही गुनगुनाते रहते थे जी. बहुत खूब, बहुत खूब. सीखे बगैर इतना अच्छा गा रहे हैं. ये तो बस ये ऊपर वाला ऐसा डाल देता है गले में
कि पता नहीं ये कहाँ से सीख के आ जाते हैं, ये पिछले जन्म से सीख के आया है लगता है। अच्छा आप जरा एक मिनट के लिए यहाँ आएंगे। आप जो है बहुत हैंडसम भी हैं, आप गाते भी बहुत अच्छा और आप लगते भी बहुत अच्छे, और मुझे लगता है आप कुछ धर्मेंद्र जी जैसे दिखते हैं। आपकी आंखें जो है ना उसमें शरारत है जैसे धर्मेंद्र जी की आंखों में है। तो एक गाना हो जाए धर्मेंद्र जी का, मैं कहूँ कौन सा? साथिया गाओगे? Let's go! हमारे अगले परफॉर्मेंस की तरफ, पूरे देश में गूंज रही है जिसके नाम की ध्वनि, राजा बेटा मनी। सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत, पुर्जा पुर्जा कट मरे कबहू न छाड़े खेत। पुर्जा पुर्जा कट मरो पर मैदान मत छोड़ो, ये था दशमेश गुरु के बेटे सरदार भगत सिंह का मूल मंत्र। लेकिन ऐसा नहीं है कि भगत सिर्फ जांबाज थे, रोमांटिक नहीं थे। कभी मोहब्बत के सवाल पर भगत सिंह ने पंडित चंद्रशेखर आजाद से कहा था, पंडित जी इस जिंदगी में तो आजादी के सिवा किसी और से इश्क नहीं होगा, लेकिन अगला जन्म मिला तो जम के इश्क करेंगे, सारी जिंदगी महबूब की बाहों में गुजार देंगे। भगत के सीने में एक धड़कता हुआ दिल था, लेकिन वो ये भी जानते थे कि आजादी की राह में किसी भी दिन कोई उड़ती हुई गोली उनके दिल के धड़कने पर एतराज कर सकती है। फिर उसका क्या होगा जिसे वो अपने पीछे रोता बिलखता छोड़ जाएंगे। एक बार मां ने जिद की, भगत मैं तेरे सर पे सहरा देखना चाहती हूं, मुझे इस घर में बहू चाहिए। मां की हर आरजू पर मर मिटने वाले भगत ये ख्वाहिश पूरी नहीं कर पाए। कह दिया मां से कि मां अगर मैं गुलाम भारत में शादी करूंगा तो मेरी दुल्हन सिर्फ मेरी मौत होगी, किसी और की मांग में सिंदूर भरने का हक नहीं है मुझे। भगत ने सचमुच मौत की मांग में सिंदूर भर दिया और जाते जाते अपनी मां को बस इतनी तसल्ली दे गए, तू न रो मां कि तू है भगत सिंह की मां, मर के भी लाल तेरा मरेगा नहीं, घोड़ी चढ़ के तो लाते हैं दुल्हन सभी, हंस के हर कोई फांसी चढ़ेगा नहीं। क्या बात है? जलाया है
मणि हमारा झंडे गाड़ रहा है, हर परफॉर्मेंस पिछले परफॉर्मेंस से बेटर कर रहा है, और मनोज जी जिन्होंने ये गाना लिखा है, आरको ने कंपोज किया है, और इतना गहरा गाना है, इतना प्यारा गाना है, उनके सामने तुमने ये गाया, और तुम्हारे लिए आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग परफॉर्मेंसेस रहा होगा, और फिर भी तुमने अपनी तैयारी बाखूबी निभाई, तुमने फ्लाइंग कलर्स के साथ इस टेस्ट को पास किया है, आउटस्टैंडिंग, लव्ड इट। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.